लाल सागर में हूती विद्रोही जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं। अभी तक 2 दर्जन से भी ज्यादा जहाजों पर हूतियों ने ड्रोन, मिसाइल और स्पीड बोट्स से हमला किया है। इससे निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन कई देशों के साथ मिलकर हूतियों पर हमलावर हैं। हाल ही में अमेरिकी सेना ने हूतियों पर बड़ा हमला किया। जहाजों पर हमले के बीच अमेरिकी सेना ने हूतियों के हथियार गोदाम तबाह कर दिए हैं। जब से इसराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, तब से लाल सागर में यमन के हूती विद्रोही जहाजों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को, जो कि अमेरिका और इजरायली सहयोगी देशों के हैं। ऐसे में अमेरिका काफी वार्निंग दे चुका है। इसके बावजूद हूती विद्रोही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अमेरिकी कार्रवाई इसी का नतीजा बताई जा रही है। इन सब के बीच हूती भी अपने आधुनिक हथियारों के दम पर जोरदार हमला बोल रहा है। ऐसे में दावा किया जाता है कि ईरान इन्हें खुला समर्थन भी दे रहा है। एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने भीषण उत्पात मचाकर दुनिया भर में खलबली मचा दी है। शिपिंग रूट्स पर हमले कर सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाले हूती अब समुद्र में बिछी फाइबर केबल्स को नष्ट करने पर तुले हैं। ग्लोब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जेदा और पूर्वी अफ्रीका के जबूती के बीच लाल सागर में 4 संचार केबल्स क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें AAE-1, सीकॉम, यूरोप इंडिया गेटवे और TGN कंपनियों के केबल शामिल हैं। इसका सबसे ज्यादा असर यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट संचार सेवा में पड़ रहा है, जिसका मुख्य नुकसान खाड़ी देशों और भारत में महसूस किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि संचार गतिविधियों को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन उतना गंभीर नहीं। दरअसल एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले अन्य केबल्स भी उसी इलाके से गुजरते हैं जो फिलहाल प्रभावित नहीं हुए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में पानी के नीचे केबलों की मरम्मत में कम से कम 8 सप्ताह लग सकते हैं। इस दौरान हूती विद्रोहियों के हमले का जोखिम भी बरकरार रहने की उम्मीद है। बता दें कि यूरोपीय इंडिया गेटवे, जो कि साउथ यूरोप को मिस्र, सऊदी अरब, जबूती, संयुक्त अरब अमीरात और भारत से जोड़ता है, अल्काटेल ल्यूसेंट ने अंडरवाटर केबल बिछाई थी। यह यूके से भारत तक फैली पहली केबल थी। AAE-1 केबल, जो पूर्वी एशिया को मिस्र के रास्ते यूरोप से जोड़ती है, चीन को उन देशों और पाकिस्तान और कतर सहित चीनी ईरानी धुरी से संबंधित देशों के माध्यम से पश्चिम को जोड़ती है। सीकॉम केबल यूरोप, अफ्रीका और भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ती है। हालांकि पिछले साल मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी और एक राजनीतिक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक थिंक टैंक ने कहा था कि कथित तौर पर हूतियों से जुड़े टेलीग्राम चैनलों ने लाल सागर में उप समुद्री केबलों को नष्ट करने की धमकियां दी थी, जिसके बाद मीडिया में इन खबरों के आने के बाद से हूती ने इन खबरों को निराधार बताया था। लेकिन अब समुद्र में बिछी हुई इंटरनेट केबल्स के क्षतिग्रस्त होने की खबर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है।